अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए शाम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे किचन में थे और देखिए क्या बना रहे हैं। उनको कुछ स्नैक्स खाना था, स्नैक्स में पैनकेक खाना था, तो हमसे बोला बना दीजिए, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था भाई, बहुत गर्मी हो रही थी, अब किचन में जाने का दिल भी नहीं कर रहा था। तो तंजिया यहाँ पे खुद कर रही थी, तो देखिए क्या करी उन्होंने। मैदा लिया है, शुगर को ग्राइंड करके पाउडर बनाया और उसको डाला है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा की क्वान्टिटी कम होगी, बेकिंग पाउडर की ज़्यादा होगी, और बटर को मेल्ट करके डाला है। साथ में इसने डाला है वनीला एसेंस। देखिए हमें तो नहीं पता कैसे बना रही थी, अभी हम वीडियो देख रहे हैं वॉइस ओवर करते वक्त, तभी हमने देखा कि इसने कैसे बनाया है। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मिल्क इसमें ऐड किया है, और इसको जो है देखिए किस तरह से इसको एक लिक्विड फॉर्म में बना लिया। देखिए इसका जो डो तो नहीं कहेंगे, जो लिक्विड बनेगा वो कैसी इसकी कंसिस्टेंसी होगी आप देख लीजिए। तो बहुत ही मज़े का वैसे बनाया था। ये सब चीज़ें करने में इनको बड़ा मज़ा आता है, और काम करते हुए आपने देखा होगा इधर उधर काफ़ी मैस हो रहा था, तो भाई इसको इग्नोर करिएगा। तो बच्चे हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, जब काम करेंगे तो अपने आप सब कुछ करने लगेंगे, साफ़ सफाई अपने आप होने लगेगी। अभी जो है हो जाता है, लेकिन देखिए उसके बाद उसने सब कुछ साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद नॉन स्टिक पैन पे इन्होंने इस तरह से इसको पोर कर दिया है। फ्लेम जो है मीडियम टू स्लो रखी है, और ये देखिए जब इस तरह से इसमें बबल्स बन जाएंगे, और एक साइड ये जब ये पक जाएगा तो धीरे से इसको फ्लिप कर देना है। अच्छा देखिए इसने कोई भी ग्रीस नहीं किया है पैन को, कोई भी बटर घी ऑयल कुछ भी नहीं लगाया है, और आलिया भी यहाँ पे साथ में लगी हुई थी, उन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा था अप्पी के साथ काम करने में। तो बस बच्चे जो हैं मूडी होते हैं, ऐसे बोलो तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आज मूड था, किचन में काम कर रहे थे, अब गर्मी भी नहीं लग रही थी, तो वहाँ तो बैठी हुई थी, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ किया जाए। और पता है इस तरह की चीज़ें, ये पैनकेक वगैरह बनाने में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब करने में। उसके बाद यहाँ पे बनाना रखा हुआ था, दो बनाना रखे थे, काफ़ी राइप हो गए थे, तो हमने कहा था बना रहे हो तो पैनकेक में डाल दो, लेकिन नहीं भाई, इन्हें शेक भी पीना था, चॉकलेट बनाना शेक, तो यहाँ पर चॉकलेट बनाना शेक बन रहा था। हमने तो भाई मना कर दिया था कि मेरे लिए कुछ भी मत बनाना, क्योंकि गर्मी में पता भूख भी नहीं लगती, कुछ दिल भी नहीं चाहता है खाने का, और खाना खा करके दोपहर में रेस्ट करो यानी लेट जाओ, तो फिर उसके बाद जब उठो ना तो सब कुछ जैसे बहुत ही हैवी हैवी लगता है, डाइजेशन भी प्रॉपर ढंग से नहीं होता है गर्मी में, और जबकि कितना लाइट खाना खाया जा रहा है। अच्छा हाँ चलिए, ये देखिए बनाना, उसने शुगर जो है डाल करके उसे ग्राइंड कर लिया था, उसमें दूध ऐड कर दिया, साथ में चॉकलेट पाउडर था तो चॉकलेट पाउडर डाल दिया है, उसे भी ग्राइंड कर देगी, तो बस बनाना शेक रेडी है, पैनकेक भी इनका रेडी हो गया था। अच्छा बीच बीच में जो लेयरिंग की है ना, तो बीच बीच में इसने बटर भी उसमें लगा दिया था, वो शायद मिस हो गई है क्लिप, तंजिया ने हमें बताया था। इसके बाद ऊपर हनी पोर किया और फिर ऊपर से बटर देखिए डाल दिया, बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा जब इसमें ना शुगर की क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि हनी जो है इस पर पोर कर दी जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए कितना मज़े का लग रहा है, लग ही नहीं रहा है, वाकई में खाने में भी बहुत मज़े का था। हमने थोड़ा बहुत सा टेस्ट किया था, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाया था, कसम खा ली थी कि हमको खाना ही नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों ने बनाया था इतने शौक से तो टेस्ट किया था, बहुत ही मज़े का बना था, और बहुत खुशी हुई कि बच्चे जो हैं देखिए बनाने लगे हैं, करने लगे हैं, और अच्छे से परफेक्ट काम कर लेते हैं। तो बस इस तरह से शाम का बच्चों का ये स्नैक्स वगैरह हो गया था। अब ये देखिए नेक्स्ट डे, तो बस वाइंड अप करने का टाइम था, तो ईद का जो सारा डेकोरेशन यहाँ पे हो रखा था, जो सारा चीज़ें लगा रखी थी, अब हमने कहा इसको सब चेंज कर दें, और बच्चे बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि इसे चेंज किया जाए, लेकिन फिर भी भाई देखिए ये हमारा लिविंग रूम है, यहीं पर हम लोग बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो वो गंदा हो ही जाता है, तो बस ये हुआ कि 1 वीक हो गया, अब इसको हटा दिया जाए, तो फिर सोफ़ा सेट वगैरह जो है दीवान सेट सब हटाना था। अच्छा हमने आपको बताया नहीं था, ये दीवान सेट जो हम लाए थे ये हमको मिला था नियर अबाउट 3000 का, ये पूरा दीवान सेट था, और इसमें सोफ़े का कुशन
और जो साथ में 5 कुशन हमने और लगाए थे वो अलग से हमने परचेस किया था, इसके साथ 5 का सेट मिला हुआ था। तो ये जो है ये पूरा सब आज हटाना था। तंजिया जो थी वो कॉलेज गई नहीं थी, उनको आज लेट था, उनका क्लास 1:30 का था तब वो जाती, तो बस अब हम पीछे लग गए कि तंजिया चलो फिर से एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। भाई 8-10 दिन हो गया ईद हुए, तो जाहिर सी बात है सफाई तो रोज़ ही होती है लेकिन भाई गंदगी तो इतनी होती है कि पता ही नहीं चलता धूल कहाँ से आती है, कहाँ घुस जाती है, कहाँ छुप जाती है। और आलिया से आज 2-3 दिन से कह रहे थे कि सब कुछ चेंज करना है, पर आलिया जो है बिल्कुल रेडी नहीं थी। उनका कहना था नहीं सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, इसे ऐसे ही लगा रहने दीजिएगा। तो ये देखिए सब कुछ सेट हो गया है। अच्छा कर्टेन जो था वो हमने नहीं हटाया था, कर्टेन इसी को लगे रहने दिया है। थोड़ा सा कलर भी डार्क है और गर्मियों में डार्क कलर जो होता है अच्छा लगता है। हमारे यहाँ जो है रोशनी बहुत होती है, धूप बहुत होती है बाहर से, तो ये लगा रहने दिया है। कर्टेन सेट भी हमें मिला था 6,000 के करीब, ये कॉन्ट्रास्ट इसके साथ हमने लगाया था और इसका साइज़ जो है हमने जो है वो कट करवाया था टेलर से, क्योंकि हमें ये 11 फिट का मिला था और 7 फिट का, तो 7 फिट वाला मेरे काम का था, 11 वाला जो था 9 फिट का कराया था। तो सब होने के बाद यहाँ पर हमने चने की दाल जो है सुबह ही सोख करके रख दी थी। अब लंच की बारी है तो चलिए लंच में बना लेते हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी, आई होप कि आपको पसंद आएगी। अच्छा आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसे। तो सोख करके दाल हमने 2 घंटे के लिए रखी थी, उसे ग्राइंड किया हल्का सा, फिर उसके बाद इसमें हमने लहसुन डाला है, कुटी हुई मिर्च डाली है, अगर आपके पास सूखी मिर्च है ना तो वो डाल दीजिएगा। इसके साथ हमने ज़ीरा डाला है, इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा। अब इसमें साथ में 1 प्याज छोटे साइज़ का वो भी रफली चॉप करके डालेंगे, सब कुछ मिला करके ग्राइंड कर देंगे, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। हल्दी डालेंगे और फिर इसे इस तरह से हाथ से ये देखिए अच्छे से इसको मिला लेंगे, ऐसे इस तरह से इसको उठा पटक करिएगा ना तो ये बहुत ही फ्लफी बनेगा, इस तरह से ज़रूर करिएगा। पहले हम सिल पे पीसा करते थे ना तो इसको फिर इस तरह से अच्छे से मिलाते थे। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन में, हमने तवे में ही डाल दिया था, नॉन स्टिक में भी आप कर सकते हैं, और मस्टर्ड ऑयल है, अच्छे से ग्रीस कर देंगे, बस थोड़ा सा डालने की ज़रूरत है। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, छोटे छोटे ये देखिए बॉल बना के इसमें इस तरह से डाल देंगे, तो ये हमारी मुबंधी बनेगी जिसको भपोरी भी बोलते हैं। बहुत से लोग इसे स्टीम में बनाते हैं पर हम देखिए इस तरह से बनाते हैं, हमारी अम्मी भी इसी तरह से बनाया करती थी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके कवर कर देंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे, थोड़ी देर में पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, आप इसको खोल के चेक कर लीजिएगा और फिर हल्के हाथ से इसको पलट दीजिएगा, फ्लेम एडजस्ट कर लीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर ये काम करिएगा, तेज़ मत रखिएगा नहीं तो ये नीचे से लग जाएंगे, तो धीरे धीरे इसको अलट पलट लीजिएगा। वैसे आप नॉन स्टिक पैन में अगर करेंगे ना तो बहुत इजीली आसानी से बन जाएगा, पर हम बनाते हैं हैबिट है इसलिए हमने इसको कर लिया। ये देखिए रेडी हो गई हमारी मुबंधी, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त, तो गर्मियों में ख़ास तौर से ये बहुत अच्छी लगती है। जब कोई सब्ज़ी खाने का दिल ना चाहे और कोई सब्ज़ी ना हो आपके पास तो आप इसे बना सकते, बस चने की दाल को 2 से 3 घंटा सोख कर दीजिए और फिर इसे ग्राइंड करके बना लीजिए। तो एक बैच हमारा रेडी था, दूसरा भी रेडी कर लेंगे। चलिए ग्रेवी बना लेते हैं, ये मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, थोड़ा सा मेथी दाना डाला है, सूखा ऑयल अच्छे से गर्म था। उसके बाद यहाँ पर हमने 3 प्याज का पेस्ट डाला है, पेस्ट बना करके डालिएगा और थोड़ा सा जार को वॉश करके पानी डाल देंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। तो भाई देर किस बात की है, आई होप कि आज को हमारा व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सॉरी सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी देर हमने इसको कवर कर दिया था, प्याज पक गया, उसके बाद अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डाला है, भुनाई कर देंगे, कच्चापन दूर हो जाएगा, नमक डाल दिया है, साथ में इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिला दीजिए, फिर थोड़े से इसमें सूखे मसाले जाएंगे, वही नॉर्मल से रेगुलर से मसाले जिसमें धनिया पाउडर होगा, लाल मिर्च पाउडर होगा, कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी डाल दीजिएगा तो अच्छा सा कलर आएगा, नहीं होगा तो स्किप कर दीजिएगा कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा और ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा हमने डाला है, बस अच्छे से भुनाई कर दीजिए, तो थोड़ी देर कवर कर दीजिएगा ताकि जो मसाले अभी हमने सूखे मसाले डाले हैं ये पक जाए। तो देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर कर दीजिए ताकि ये भी अच्छे से पक जाए, उसके बाद थोड़ी देर कवर कर दीजिएगा,
स्लो फ्लेम रखिएगा। मसाला हमारा रेडी है। अब इसके बाद इसमें हम दही डालेंगे अच्छे से बीट करके, आधी कटोरी, बड़ी कटोरी है तो आधी, छोटी है तो एक कटोरी भर के इसमें दही डाल दीजिए और अच्छे से इसकी भुनाई कर दीजिए ताकि दही में कोई भी लम्स ना रहे। भूनने के बाद थोड़ी देर आप कवर भी कर दीजिएगा। मसाला चेक करते रहिएगा बीच बीच में ताकि मसाला नीचे से लगे ना। अब इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया है। मसाला बहुत अच्छे से हमारा भुन गया है इसलिए हमने इसमें हरा धनिया डाला है। हरा धनिया डालने के बाद मिला दीजिएगा और मिलाने के बाद देखिए इसमें पहले पानी डाल देंगे। तो बेसन की कोई चीज़ बनाते हैं ना, अगर ग्रेवी में बनाते तो पानी इसमें पहले डालकर ग्रेवी बना लिया करिए। और ग्रेवी जो है वो पतली रखना चाहिए क्योंकि बेसन में जो है वो पानी एब्जॉर्ब करता है। बेसन की कोई भी चीज़ आप बनाएंगे ना तो बेसन जो है वो फूलता है, पानी एब्जॉर्ब करता है, तो ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है। तो इसलिए पहले पानी डाल के ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। और देखिए ग्रेवी एकदम पतली रखी है, हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी है। अब जब अच्छे से पक जाएगा उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हम खुशबू वाला मसाला डालते हैं वही डाला है। उसके बाद जो मुबंदियाँ हमने बना करके रखी हैं वो डाल देंगे। और वैसे भी अगर पहले डाल के पकाते ना तो मुबंदियाँ टूट जाती, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेंडर बनती हैं। बस अब एक बॉयल आने दीजिए, उसके बाद देखिए ये रेडी हो गई है। तो आप ख़ुद भी बनाइए, टेस्ट करिए, फैमिली को खिलाइए, इतने मज़े की बनेगी ना कि सब आपके दीवाने हो जाएंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो भाई ये हमारी अम्मी की रेसिपी है, अम्मी हमारी इसी तरह से बनाती थी। तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।